स्टिकी राइस से ग्राइंड किया है। ये सिंपल से मम्मी के लिए बनाया और ये तो हम लोग के लिए बना रहे हैं मम्मी। अभी ना चार ठो गहरी है ना, उसको मतलब अभी दाना देने का समय हो चुका है। और यहाँ देखिए इतना सारा भोल पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट व्लॉग यहाँ से शुरू होते हैं। ये देखो पूरा थक चुका है नन्नो। नन्नो बाबू नन्नो देखो देखो इतना क्यूट से हंस रहा है नन्नो। ये देखिए गाइस एक एक करके उठा के खा रहा है, खाना भी खा रहे हैं। ये है उनका मम्मी, नन्नो का मम्मी और दीदी जो भाई को खाना खिला रहे। पूरा पेट भर गया उसका, नहीं खाएगा अभी। She is so cute. यहाँ में देखो रहा एक बार। I see in the dinner room. किसे नहीं? रुका नहीं लगी। उसका मम्मी इधर। यहाँ पे है बोन, थुप्पा के साथ में खाया गाइस। मैं जो फ्राई नहीं किया उसका ऊपर में सूप डालेगा, नमक डालेगा, मिर्चा डालेगा, प्याज डालेगा, ऐसे खा रहे आज। यहाँ पे चॉप करके रखा है ओनियन एंड चिल्ली। This is our Nono. Hi, बोलो Nono. Hello. इतना cute वाला Nono, guys. देखो. Hi, Udapo. और यहाँ पे बुआ और नानी बैठा हुआ है। Good morning, guys. हो गया है अभी सुबह और यहाँ में है तितली। क्या कर रहे? बॉयल पका रहे, बॉयल सब्जी। Oh my God, इतु बॉयल बनाए से? क्या और बॉयल? आलू मटर और केबेज। केबेज बस इतना ही? अच्छा लगता है इसका। और कुछ नहीं डाला गया? थोड़ा सा फ्लेवर के लिए फर्मेंटेड ड्राई वाला बैंबू शूट यूज किया मैंने। अदरक लहसुन मिर्च एक ही डाला है एंड टमाटर एक। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा से बॉइलिंग हो रहा है, बॉइल हो रहा है। सुबह सुबह बॉयल खाना चाहिए इंसान को। सिंपल वाला ब्रेकफास्ट करेगा आज। किधर रे? लहसुन और ये ड्राई बेम्बू शूट टोमेटो का फ्लेवर जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेगा क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट लेस लग रहा है मुझे। बस इसमें धनिया डालने से और भी टेस्टी होगा। अभी होने लगा हो गया। फिलहाल अभी मम्मी बना रहे पिठा। यहाँ पे है गुड़, ये लोकल चावल से पीस किया है, जैसे ग्राइंड किया गया, स्टिकी राइस से ग्राइंड किया है। ये सिंपल से मम्मी के लिए बनाया और ये तो हम लोग के लिए बना रहे हैं मम्मी। आज तो टेस्टी टेस्टी पिठा खाने मिलेगा गाइस। हियर इज माय मॉम, अभी मम्मी पिठा बनाएगा। मम्मी ने उस पर ऐड किया गुड़ एंड अभी चीनी मिक्स कर रहे हैं। वहाँ पे है हम लोग का ट्रेडिशनल पत्ता और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। क्या लेने हैं भैया जी? लोहा, तीन आदमी आए हैं गैस। कौन सा लेके जाएगा? ये लेके जाने के लिए बोला है क्या? मालिक तो नहीं है। यहाँ पे सुखाया है धान और नानी वेट कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़रा मुर्गी लोग आते हैं ना और चिड़िया लोग आके धान खा के चला जाता है, इसलिए यहाँ पे सुखा दिया। एंड हियर इज माय ग्रेनी, धूप में बैठा हुआ है। धूप नहीं, वो धूप पे बैठा था, गर्म लग रहा है बोल के फिर यहाँ आ गया दादी। दिस इज धान
और वहाँ पे है लोहा तीना कुछ, अगर फेंकना है तो हमें दे दो बोल के बोलता है ये आदमी जो सुबह सुबह। किली का बच्चा वहाँ में बैठा हुआ है गैस, अकेला अकेला बैठा हुआ है। हेलो, जा रहे जा रहे, जैसा उसका माँ है ना, सेम एग्जैक्ट एस इट इज, ट्रेडिशनल पत्ता में पैक करेगा गैस। एक्चुअली ना हम लोग का घर में पिता जो मतलब इतना पसंद नहीं करता है, ना भाभी खाता है ना भैया खाता है, और मम्मी तो खास करके विदाउट एडिंग शुगर, शुगर को मतलब ऐड नहीं करता। ये जो पाउडर मैंने दिखाया था ना, ये स्टिकी राइस से ग्राइंड किया गया है, तो मम्मी के लिए ये अलग से बना रहा है। भैया पप्पा और मेरा फियांसे एवरीवन सब लोग खेत में चला गया, तो फिलहाल मैं इसको बना के ले जाएगा खेत में गाइस। खेत में मत आओ के बाद लेट्स सी, ये पकने के बाद मैं फिर से मैं फ़ोन करूँगी भैया को। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अभी मैं आप सभी लोग को दिखाने वाली हूँ इसको कैसा पैक किया जाता है, और पकने के बाद भी खा के मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगी गाइस। तो चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस नाउ गाइस। हमको ना पिठा बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, इसलिए अभी मम्मी जो मेरे लिए पका रहा है, तो आई एम सो एक्साइटेड टू ईट लोकल पिठास। अभी ना हम लोग का चार ढुका हो रही है ना, उसको मतलब अभी दाना देने का समय हो चुका है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दाना रेडी कर रहे हैं हम। इतना बड़ा बड़ा स्वर है ना, इतना ज़्यादा दाना खाते हैं सुबह शाम, हम घर आने से इतना गावड़ी देता है, इतना गावड़ी देना पड़ता है। बाद में हम इसको भी काटना है, ये कच्चा वाला ये बनाना को बाद में काट के इसको भी बनाना है कल मॉर्निंग के लिए। आज शाम के लिए तो हो जाएगा गाइस, तकलीफ तो है लेकिन क्या करेगा ना, स्वर भी तो पालना है। ये एक का हो गया है, अभी फिर ये दूसरा वाला। लुक हियर एवरीवन, यहाँ पे मुझे मिला है नींबू लेमन, इतना जरा नींबू, इसको हम तोड़ देगा। वो वाला नीचे में तो छोटा है, और इसको तो हम अभी प्लग करेगा, इसको हम अभी तोड़ के ले जाएगा। इतना ताने रे, ये देखिए लोकल ऑर्गेनिक नींबू, अपना घर से नींबू खाने के लिए अलग ही मजा है। ये देखो गैस, और यहाँ पे भी देखिए ट्रिपल नींबू बहुत सारा है अंदर में भी, यहाँ पे छोटा छोटा लगा हुआ है पेड़ में, और नीचे में तो पूरा खराब हो गया गिर गया। और यहाँ पे भी दो, वो साइड में भी है गैस बहुत ज़्यादा है, ये देखिए इतना सारा नींबू खिल रहा है। ओ माय गॉड, जिस जिसको चाहिए ना आप लोग आ सकते हैं हम लोग के घर में नींबू लेने के लिए। यहाँ पे भी दो निकल रहे है, वो अंदर में भी है गाइस बहुत ज़्यादा नींबू है, जो नीचे में दो है उसको तो हम कल लेने आएगा। आज के लिए हम इसको जूस बना के पिएगा, ऑर्गेनिक जूस पिएगा अभी गाइस। और यहाँ देखिए इतना सारा बोल, इसको तो ना सब्जी भी बना के खाता है बोला है, बट हम लोग ने कभी भी सब्जी बना के नहीं खाया भाई। इसको तो ना हम लोग वो बॉडी वॉश नहीं करते हैं क्या, वो रब करने के लिए, जब ये ड्राई हो जाएगा ना, आई मीन जैसे जब ये पूरा सूख जाएगा तो अंदर का जो निकाल के मतलब हम लोग सुखा देता है, फिर उसके बाद में ये हैंड या पाव लेग्स वॉश करने के लिए हम लोग इसको ड्राई करके रखते हैं। बहुत सारा है, आज ही मालूम चला है इसको खाता है बोल के, और इसका नाम भोल बोल के भी हमको मालूम नहीं था, आज ही मालूम चला है। ओह माय गॉड, नींबू तो जहाँ तहाँ लटक के बिठा हुआ है रे। और यहाँ देखिए दोस्तों इतना सारा एलिफेंट एप्पल, इतना ज़्यादा है हम लोग के घर में। ओह माय गॉड, और बिटल नट ट्रीज साइड साइड में लगाया हुआ है। मुर्गी बच्चा लोग देखो ना इतना ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बच्चे, बच्चास, and one mother. और यहाँ पे दादी बैठा हुआ है। भाभी क्यों भाग रहे हैं आप?
कैमरा ऑन किया तो ऐसा भाग रहा है ये देखिए दोस्तों, भाग गया ये भाभी। तो फिलहाल मैंने ये तोड़ के लाया, इसको ना हम अभी जूस बना के पिएगा गाइस, क्योंकि मेरा ये जो गला है ना बहुत सूख गया है, पानी इतना प्यास लगते रहता है हमको ना, अलग से अजीब से पानी प्यास लगते रहते हैं। अभी हम इसको बना के पिएगा। फिलहाल तो घर के ऊपर ना कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर में है, मेरा फ्रेंड से नहा रहा है, दादी और भाभी लोग सब नीचे में है, भैया और मामी सुअर का दाना दे रहे, बहन गए अपना ड्यूटी के लिए, घर का आदमी लोग जब पूरा ऊपर में उठ जाएगा तभी हम जाएगा ऊपर में, रियल जूस पिएगा हम अभी गैस। वहाँ पे भाभी भैया, भाभी तो ना ये क्या बोलते हैं कैमरा ऑन करने से भाग जाते हैं, और यहाँ पे केली सोते हुए, केली केली फिली हेलो, मज्जा से सो रहे केली और उसका बच्चा, सेम सेम फेस, सेम सेम कलर, सेम सेम लुक्स, डिफरेंस इतना ही है कि वो बड़ा है और ये छोटा है। तो दोस्तों अभी भाभी भी घर के ऊपर में उठ चुका है और मैं भी जाऊंगी ऊपर में, क्योंकि मुझे अभी बना के पीना है नींबू। और ना सो सॉरी गाइस, हम ना एक्चुअली सो गया था, इस कारण हम आप सभी लोग को थोड़ा पहले मम्मी ने जो पिठा बनाया था ना उसको हम दिखा नहीं पाए। तो लेट्स गो, चलो नाओ कि पिठा जो पक गया कि नहीं और टेस्ट जो उसका कैसा है, चलो लेट्स फाइंड इट आउट राइट नाउ। घर में बनाने वाला लोकल ट्रेडिशनल पिठा भी अभी पूरा रेडी हो चुका है खाने के लिए, मम्मी ने बहुत अच्छा से पकाया है और बहुत सॉफ्ट भी दिख रहा है मुझे ना, सो अभी हम इसको खाने वाला है गाइस। ये देखिए दोस्तों, पिठा भी बहुत अच्छा से पक चुका है, इसको मैं अभी खाने वाली हूँ। इट्स वेरी स्टिकी, वेरी सॉफ्ट। नारियल तो मैं पसंद है हमको ना, ये गाइस टू बी ऑनेस्ट हमको ना ये नारियल कोकोनट वो सब ग्राइंड करके डालने वाला ना हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको सिंपल प्लेन में ही अच्छा लगता है ऐसा ना, एग्जैक्टली जैसे खाने दिल था वैसे ही बनाया मम्मी ने। बहुत टेस्टी हो गाइस। अभी ना शाम हो चुका है और भाभी जो गया है मिल में धान कूटने के लिए गया, और स्टिल आई एम एंजॉयिंग विद दिस। मेरी जो बहन है हम खाने वाला देखते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा खाने दिल कर रहा है, और ये वीडियो वो देख रहे हैं हमको मालूम है, तो आपको भी बना के भेज देगा। ओके फाइनली यहाँ पे अपना लेमन जूस नींबू पानी भी आ चुका है गाइस, ये देखिए मज़ा। फाइनली यहाँ पे ट्रैक्टर भी आ चुका है गाइस, रात हो गया ना खेत से लाए केले, ये फर्स्ट ट्रिप है, फिर सेकंड ट्रिप दोबारा जाना पड़ेगा बोल रहे गाइस। जितने भी लकड़ी लाए सब यहाँ में रखेगा, सभी लोग खाना खाएगा ना, इसलिए मैं अभी पका रही हूँ सब्जी, मिर्च ग्रेवी बनाएगा इसको गैस, ढक देगा अच्छा से पकने देगा। यहाँ पे है बहन, बहन ने इतना टेस्टी से बनाया था।